जैसे कुरान में आता है इल्लल्लज़ीन ताबू व असलहू व बय्यनू, यहूदी की तोबा जब कबूल होगी, यहूद उलमा की, कि जब वो तोबा भी करें, इसलाह भी करें, वह बय्यनू, और जो गलत बयानी अब तक करते रहें वो बयान कर दें कि ये गलत किया था हमने। तो ये यानी गलत गाइड अगर आप लोगों को करते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, फिर जब आप तोबा करेंगे तो चूंकि लोगों को तो नुकसान हो रहा है, लोग तो वही पुरानी बात को लेके बैठे हैं, तो फिर उसमें आपको रुजू का ऐलान भी करना पड़ेगा लोगों के सामने। कहकहा लगाने से क्या वुजू टूट जाता है? अगर वुजू के बाद गलती से कहकहा लग जाए तो क्या इससे वुजू टूट जाएगा? लाइबा सिद्दीकी, नहीं, कहकहा लगाने से वुजू नहीं टूटता। हाँ ये ज़रूर है कि नमाज में अगर आप ने ज़ोर से कहका लगा के हंस दिए तो नमाज भी टूटती है और वुजू भी टूटता है, यानी दो दर्जात होते हैं। अगर नमाज में आप हंस दिए, नमाज में आप मुस्कुरा दिए तो इससे ना नमाज टूटती है ना वुजू टूटता है। नमाज में आप हंसी आ गई, मुस्कुराहट से ऊपर की चीज़ें हंसी, तो हंसी आ गई आपको तो नमाज तो टूटेगी, वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हंसी से भी ऊपर की चीज़ यानी कहका आ गया, आवाज़ निकल गई आपकी हा 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 करके, तो फिर नमाज भी गई और वुजू भी गया आपका। इस तरह से फिर दोबारा वुजू भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन नमाज से बाहर अगर आप जितना मर्जी हंसते रहें